पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को मकबरे में राशन वितरण किया गया। पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में आज कई क्षेत्रों में जिला पूर्ति विभाग द्वारा सामूहिक रूप से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर लाभार्थियों को राशन की किट भी वितरित की गई। साथ ही राशन की दुकानों पर भी वितरण कार्यक्रम किया गया, तो वहीं मकबरे में भी भाजपा पार्षद और राशन डीलर निखत परवीन, नादरा गयासुद्दीन, कमला पथिक, अरशद हुसैन, जुबैर पाशा असीम द्वारा राशन किट वितरित की गई। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को अन्न महोत्सव बनाने का आह्वान किया था, जिसके तहत आज सभी राशन की दुकानों पर राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन का वितरण किया गया। साथ ही राशन की दुकानों पर आज के दिन अलग व्यवस्थाएं देखी गई। राशन की दुकानों पर टेंट से लेकर कुर्सी तक की व्यवस्था कार्ड धारकों के लिए की गई। साथ ही दुकानों पर टीवी लगवाए गए, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव प्रसारण राशन कार्ड धारकों को दिखाया गया। वहीं प्रधानमंत्री ने कई कार्ड धारकों से सीधा संवाद भी किया। दुकान का वितरण हो रहा है आज, जो है प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अन्न महोत्सव का जो सफर है उसकी वजह ये आज जो है ये राशन का वितरण हुआ है। और हमारी तमाम आंगनवाड़ी की कार्यकर्ती और हमारी सभासद महोदय ने वितरण करा है, और किसी तरीके की कोई परेशानी आपको भी किसी को लगभग कितने लोगों का वितरण हो चुका है राशन? लगभग इस समय तक अभी तक कभी 30 व्यक्तियों का वितरण हो चुका है। अच्छा, मतलब किसी भी एरिया का आदमी यहाँ आकर राशन ले सकता है? हाँ, ये पोर्टेबिलिटी है, वन नेशन वन कार्ड योजना है, कहीं का भी आदमी कहीं से भी राशन ले सकता है। तो जो लोग भी हमारी दुकान पे वितरण के लिए आए थे, हमने उनका भरपूर स्वागत किया, पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक और केले और नमकीन का वितरण करवा के सबको संतुष्ट करके सब आदमी आ रहे हैं, खुश हैं, किसी तरीके की कोई परेशानी और माल का वितरण। मेरा नाम संगीता है और ये मकबरे की जगह है, और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी की जो अन्न योजना है उसका समारोह चल रहा है। जितने भी लाभार्थी हैं वो यहाँ पे आज बड़ी संख्या। अच्छा, किसके किसके नाम से है दुकान? ये कमला पथिक जी के नाम से दुकान, और अर्शद आज राशन वितरण किया गया। बहुत अच्छा यहाँ पे उन्होंने इंतजाम किया था, और सुबह से साफ सफाई में हर चीज में ध्यान दिया, और जो आए लेने लाभार्थी उनको भी उनको बहुत ध्यान दिया, खाने पीने का भी ध्यान दिया, बैठने का भी ध्यान दिया, हर तरीके से उनको अच्छे से मतलब उठे लगवाए उन्होंने, लाइन में लगा के दूर में लगा के सब कुछ। अच्छा, आंगनबाड़ी से कितने लोग यहाँ पे रहे मौजूद? मतलब पर सेंटर से 2 आंगनबाड़ी यहाँ पे 3-4 तो यहाँ पे 8-9 आंगनबाड़ी थी। क्या कहना चाहेंगी इस विषय में, प्रधानमंत्री जी की योजना के बारे में क्या कहना चाहेंगी? ये मोदी जी की योजना बहुत ही अच्छी है, बहुत बढ़िया, और गरीबों का मतलब बहुत ध्यान रख रहे हैं वो लोग, काफी आज से पहले से कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। ये पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।